तो व्हाट्सअप एवरी वन, दिस इज चंदन और आज मैं गोवा. अभी फिलहाल जस्ट मैंने अभी गोवा एयरपोर्ट से चेकआउट लिया है. बहुत गर्मी यहाँ पे, जैकेट पहनी हुई है. सबसे पहले तो जैकेट उतार दूँ, तो फिलहाल अभी बेटर है. तो बोर्डिंग हमने करी थी दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से करीबन 11:30 बजे के आसपास. मैं पहुँचते पहुँचते 2:30 बजे चेकआउट लेते रहते, अपना बैगेज कलेक्ट करते करते. तो थोड़ा सा आज एक डर सा था क्योंकि मैं अपने साथ लेके आया था ड्रोन, और ड्रोन एयरपोर्ट पर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. वैसे सब लोग लेके आते हैं. तो मैंने कराई है गो एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी. प्रीपेड टैक्सी के मैंने चार्जेस चेक किए थे और जो नॉर्मल जो बाहर बंदे रहते हैं उनके चार्जेस चेक किए थे, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं था. 50-100 रुपये का फर्क था. जैसे रीजन सोचा कि क्यों ना प्रीपेड टैक्सी कराते हैं. ये है प्रीपेड टैक्सी मैंने जो कराई है गोवा एयरपोर्ट से कैलंगुट तक, वो है 1220 रुपीज एसी का. एसी कार अगर आप लेते हो तो उसके शायद 100 या 150 चार्जेस अलग से लगते हैं. कैलंगुट पहुंचने में अभी हमें करीबन 1 से 1.25 घंटा लगेगा, तो देखते हैं. यहाँ पे ट्रैफिक वाला एरिया कौन सा सबसे? वही सर, पीछे वाला. ओह, ये कैलंगुट वगैरह में नहीं रहता वहाँ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रहते? ओके गाइस, सो फाइनली वी रीच एट अवर होटल काजा दे कैजिनो. बहुत ज़्यादा कुछ लग्जरी होटल नहीं है, बट बजट वाइज काफ़ी सही लग रहा था क्योंकि थोड़ा हमारा लंबा टूर है पूरे वीक का, तो दैट्स द रीज़न मैंने ये बुक किया था. यहाँ पे मैं 3 से 4 दिन रुकूंगा एंड देन उसके बाद देखते हैं. तो अभी फिलहाल अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं. तो हमें मिल गया अपना रूम. रूम बड़ा बेसिक सा है क्योंकि ये बजट होटल है, बट आपको एक छोटा टूर दिखा देता हूँ रूम का. तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये कोई लग्जरी रूम होगा. एक छोटी सी टीवी रखी है, आई थिंक लैपटॉप इससे बड़ा होगा. मिरर है यहाँ पे, अलमीरा है एंड बेसिक सा बेड है, रेफ्रिजरेटर है, कैटल है, पानी है, और ये है बाथरूम. बड़ा बेसिक सा है. अपने को पैसे बचाने से मतलब है कि बजट से बजट में कैसे हम लोग ज्यादा ज्यादा घूम सकें. और ये बता दूं प्रॉपर एक फैमिली होटल है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. और मैं बता दूं मैं बहुत रिसर्च के बाद ही आता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बस आया और बुक करा दिया फटाफट. एक चीज होगी कि हमें ग्राउंड फ्लोर मिला हुआ है. मैं सोचा थोड़ा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर मिल जाए, सही रहता है व्यू वगैरह के लिए. व्यू ऐसा कुछ खास नहीं है आमने सामने क्योंकि चारों तरफ इसके होटल्स और रिजॉर्ट वगैरह ही हैं. कल हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में, जो भी अवेलेबल होगा. आफ्टरनून से पहले की फ्लाइट बुक करने का फायदा ये होता है कि अभी बज रहे हैं 4 और मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, तो मेरा ये जो पूरा दिन था उसको मैं यूज कर सकता हूँ. अगर मैं शाम के टाइम पहुंचता यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मेरा दिन बेकार जाता. उसका जो होटल का चेक इन होता है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाता. तो बस आप होटल में आके सोते हो और कुछ नहीं करते हो. और दैट्स द रीजन मैंने चुना 11:30 बजे जो हमारी फ्लाइट थी वो. 2:30 बजे तक मैं यहाँ पहुंच गया था चेकआउट करते करते, और होटल तक पहुंचते पहुंचते मैं 4 बज गए अभी. तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे. फर्स्ट चीज मुझे जो करनी है वो करना है स्कूटी बुक करनी है. तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको स्कूटी वगैरह मिल जाएंगी. 300-400 चार्जेस होते हैं, आई थिंक 300 के आसपास स्कूटी के चार्जेस हैं, बट वो चेकआउट करेंगे कि कितने की मिलती है स्कूटी यहाँ पे. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आज की फ्लाइट में वो था मेरा ड्रोन. जिसका सबसे ज्यादा डर था मुझे वो था ड्रोन. तो एक बार मैं बता दूं आपको कि मेरा जो लैपटॉप वाला बैग है पूरा खाली करवाया गया, क्योंकि उसमें आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजन था, बट लैपटॉप बैग मेरा पूरा खाली कराया गया. उस लैपटॉप बैग में मेरा रिमोट, मेरी बैटरी वगैरह सब थी. हालांकि सिक्योरिटी ने रोका नहीं मुझे, बस हाँ ये कि मेरा बैग खाली करवा के पूरा चेक किया गया. और ये था चेक इन बैग में, मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे मेरा पूरा सामान रुक जाए बट ये ड्रोन नहीं रुकना चाहिए. बहुत महंगा ड्रोन है और फर्स्ट टाइम गोवा में लेके आया था. ऐसा नहीं कि कोई और नहीं लेके आया, लेकिन होता क्या है ना कि जब अपने आप पे बीतती ना तब थोड़ा लगता है. बस ये था ये कैसे कैसे गोवा पहुंच जाए. फाइनली ये पहुंच गया, बहुत खुशी हो रही है कि सही सलामत पहुंच गया. इसमें प्रोपेलर्स मैंने जो अलग किए हुए थे इससे, वो प्रोपेलर्स में वापस लगाऊंगा, वो भी मैंने इसी बैग में डाले हुए हैं. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक दो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि और कौन कौन से बजट होटल है गोवा में, ताकि जो सोलो ट्रैवलर हैं या मेरी तरह बजट ट्रैवलर हैं वो आसानी से ट्रैवल कर सके और ज्यादा स्टे कर सके. जो महंगे होटल में ना स्टे करके वो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सके. अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. और अभी तो जस्ट गोवा की शुरुआत हुई है, अभी तो देखो अभी तो ड्रोन जस्ट अभी सेटअप करना है और सारी बैटरीज को चार्ज करने लगाऊंगा. उसके आज तो ड्रोन फ्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है. कल से अपना देखूंगा ड्रोन कहाँ कहाँ फ्लाई करना है, तो बहुत ही मस्त वीडियो आने वाली है. तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को. ओके, थैंक यू गाइज.